में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो पिछला पूरा वीक था हमारा फुल ट्रेंडिंग का था, ये वीक भी शुरुआत हो चुकी है और कल की टेक न्यूज हमारी ट्रेंडिंग पर थी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, रोज शेयर करूंगा, जब जब ट्रेंडिंग पे आएगी जब जब शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आपने इतना प्यारा सपोर्ट दिया कि मैं आपसे क्या बताऊं। वैसे दोस्तों आज सुबह में हमने मी वॉच, जी हाँ मी वॉच का एक अनबॉक्सिंग डाला है, आप जाके देख सकते हैं टेक्नोवर्स चैनल पर। फ्रेश न्यू अनबॉक्सिंग आपको हमेशा मिलती है और आगे भी मिलती ही रहेगी। वैसे दोस्तों गर्मा गर्म, आज तो बहुत गर्म है, गर्मा गर्म टेक न्यूज हमेशा की तरह लाया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, 30,000 लाइक्स तो आप ऐसे छोड़ देते, आज भी छोड़ डालो और फटाफट से आज की शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर कलर ओएस 7 से। आज इंडिया में दोस्तों ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। जी हां, वैसे 20 नवंबर को तो ओप्पो ने चाइना में कर दिया था, लेकिन आज इंडिया में उन्होंने लॉन्च कर दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ओप्पो ने कोई ओएस को लॉन्च करने के लिए डेडिकेटेड इवेंट रखा है इंडिया में, जो आज हो चुका है। एनीवेज कलर ओएस 7 आ गया है नए इंप्रूवमेंट्स के साथ में, नया आइकन्स आपको, नया यूआई मिलता है, प्राइवेसी को इंप्रूव कर दिया है आपको, नए एनिमेशंस, नए साउंड्स और साथ में गेमिंग को इंप्रूव करने के लिए टच और साथ में फ्रेम रेट्स को भी उन्होंने इंप्रूव किया और बहुत सारे और भी फीचर है। पूरा एक वीडियो तैयार है, बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आज से ही जितने भी ओप्पो के रेनो सीरीज है इन सब में आपको अपडेट मिलेगा। फिलहाल के लिए ट्रायल वर्जन के थ्रू, तो आप अपने फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाके सेटिंग्स में जाएंगे ऊपर, तो वहां पर आपको ट्रायल वर्जन दिखेगा। अगर नहीं मिला तो वेट करो, थोड़े दिनों में ही आपको मिल जाएगा, तो कुछ उसका फायदा उठा सकते, लेकिन वो ट्रायल वर्जन रहेगा, ऑफिशियली भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो कलर ओएस 7 आ गया है, Realme की फोन्स में भी आएगा। वैसे क्या ख्याल है आपका, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों WhatsApp की तरफ से खबर आ रही है और काफी टाइम से वैसे दोस्तों WhatsApp अपने एक नए फीचर पर काम कर रहा है, वो है डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर। फिलहाल के लिए इसको रिब्रांडेड कर दिया अभी और वो है डिलीट मैसेज। अभी फिलहाल के लिए ये बीटा में है, आपको WhatsApp के 2.19.348 वर्जन में दिखेगा और नॉर्मल और डार्क मोड दोनों में है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जो डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर है वो हो गया है डिलीट मैसेज, जो आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फो की सेटिंग्स में या ग्रुप सेटिंग्स में जाके इसको यूज कर सकते हैं। आप जो भी मैसेज किसी को भेजते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक घंटा, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल बाद कब आपको डिलीट करना है, वो ऑटोमेटिकली जो आप टाइम सेट करेंगे उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। जी हाँ, तो पहले डिसअपीयरिंग मैसेज था, अब हो गया डिलीट मैसेज जो बीटा में है और ऑफिशियली भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो ये काफी यूजफुल है। वैसे दोस्तों क्या लगता है, क्या आपको लगता है ये काम आएगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनली मीडियाटेक ने अपने 5G मोबाइल प्रोसेसर को जो वो लॉन्च कर दिया है, जी हां ऑफिशियली आ चुका है। काफी टाइम से लीक्स आ रही थी कि भाई मीडियाटेक का प्रोसेसर आएगा 5G वाला, तो वो आ चुका है, उसका नाम निकल कर आ चुका है। वैसे दोस्तों मीडियाटेक ने अपने डायमेंडसिटी 1000 5G वाले प्रोसेसर को अनाउंस कर दिया है। लंबा सा नाम है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही पावरफुल है। ये 7nm पर बेस्ड है और इसमें आपको इंटीग्रेटेड हीलियो M70 5G मॉडेम मिलता है। वैसे ये आपको 4 कोर कॉर्टेक्स A77 पर मिलते हैं, 2.6 GHz पर है और 4 आपको कॉर्टेक्स A55 पर मिलते हैं, मतलब ऑक्टा कोर का है। माली G77 MP9 वाला आपको GPU मिलता है, तो जो CPU और GPU ना ये एकदम लेटेस्ट है, जो बहुत ही पावरफुल है। वैसे ये 42% आपको ये बेटर मिलता है 5G के मामले में, अगर स्नैपड्रैगन के X50 मॉडेम से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं। उसके अलावा 80 मेगापिक्सल का आपको नेटिव कैमरे का सपोर्ट मिलता है, तो 108 मेगापिक्सल की यहां पर कोई बात नहीं की गई है। अब देखते हैं दोस्तों, वैसे डाउनलोड 4.7 GBps की है और अपलोड 2.5 GBps की भी आपको ज्यादा मिलती है, तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब दिसंबर से दोस्तों स्मार्टफोन आएंगे जिनमें ये वाला प्रोसेसर अवेलेबल होगा, तो जहां तक मुझे लगता है वो Redmi K30 सीरीज में ही आपको देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मीडियाटेक ने इंटेल के साथ में पार्टनरशिप करा है, जहां पर ऐसे लैपटॉप्स आएंगे फ्यूचर के अंदर, जो 2021 की बात हो रही है। सबसे पहले HP और डेल लेके आएंगे, उन लैपटॉप्स में आपको 5G मिलेगा जिनमें ये मीडियाटेक की चिप लगी होगी। जी हां, और साथ में मीडियाटेक ने ये भी बोला है कि बजट के भी चिपसेट ला रहे हैं 5G के, जो बहुत ही जल्दी हमें 2020 में देखने को मिल सकते, तो काफी बड़ा प्लान है मीडियाटेक का और कमाल का प्रोसेसर आ चुका है। इसके बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और आज तो इतनी गर्म है Xiaomi की खबर कि मैं क्या बताऊं, इसलिए आज की शाम Xiaomi के नाम। जी हाँ, और पहली खबर की बात करेंगे तो Mi UI 11 हम सभी लोग हमारे Xiaomi के स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि जब Mi UI 11 आया था तो हम सोच रहे थे Android 10 पर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो Android 5 पर था। अब दोस्तों Mi UI 11.1 का अपडेट आप सभी लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा जो Android 10 पर बेस्ड होगा, और चाइना में तो इसका अपडेट ऑलरेडी जा चुका है और इसमें वो सारे फीचर्स होंगे जो आपको Mi UI 11 में नहीं मिले थे। वैसे इसमें आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड मिलेगा, साथ
साथ में फोकस मोड जो एंड्रॉइड 10 का ही एक फीचर है वो भी आपको मिलेगा। आइकन्स ऐप आइकन्स को आप अपने हिसाब से अब डिटेल में कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आप अपने भी फोटो अब ऐड कर सकते हैं। बेड टाइम मोड डाल दिया है, आप स्लीप को ट्रैक कर सकते हैं और साथ में प्राइवेसी को और इंप्रूव कर दिया है। प्लस आपको जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उसमें एनिमेशन ऐड कर दिया है, ऐप लॉकर के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दिया और ऐसे तमाम फीचर्स है जो शायद मैं मिस कर दिया हूं वो सारे आपको MIUI 11.1 में मिलेगा। तो ये कब आएगा इंडिया में ये तो नहीं पता, चाइना में तो चला गया है, लेकिन बहुत ही जल्दी आएगा एंड्रॉइड 10 के साथ में। इतना ही नहीं, Xiaomi के CEO Li Jun ने ऑफिशियली बता दिया है कि MIUI 12 पर भी हमने काम शुरू कर दिया है, मतलब R&D इसका जो वो शुरू हो चुका है ऐसा उन्होंने बताया, और अगले साल Q3 2020 से इसका अपडेट भी आना शुरू हो जाएगा ये भी उन्होंने अभी से यहां पर बता दिया। सिस्टम वाइड डार्क मोड एक ऐसा फीचर है जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये होगा और उसके बाद पता नहीं और भी सारे फीचर्स होंगे। तो MIUI 12 की भी बातें Xiaomi के CEO Li Jun ने हमसे शेयर करती है। एनीवेज दोस्तों, Redmi K30 K30 Pro इनकी ऑफिशियल लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है। Redmi के जो जनरल मैनेजर है लू विबिंग वीवो पर पोस्ट करके बता दिया कि 10 दिसंबर को, जी हां, अगले महीने Redmi K30 सीरीज वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे जिनमें आपको 5G मिलेगा और Redmi के ऑब्वियसली पहले स्मार्टफोन्स होंगे जिनमें आपको 5G मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और उसके बाद शायद से हमें ये उसी महीने या फिर अगले महीने इंडिया में भी बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। मैं देखता हूं दोस्तों, वीडियो बनाऊंगा कि क्या खास होते हैं दिसंबर 10 में Redmi K30 सीरीज में, उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। वैसे साथ में इंडिया में दोस्तों Xiaomi ने एक महीने के अंदर ही अपने Redmi Note 8 सीरीज के 1 मिलियन स्मार्टफोन्स सोल्ड कर दिए। जी हाँ, अक्टूबर मिड से ही आए थे और 21 तारीख से सेल पर गए थे अक्टूबर में और अभी 1 महीना हो गया और 1 मिलियन, मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे लग रहा था ऐसा कि 1 मिनट में ना 7 स्मार्टफोन्स सोल्ड हुए रह गए, मतलब 1 महीने में Redmi Note 8 सीरीज सोल्ड हुई इंडिया में, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, आप भी जाके कर सकते हैं। वैसे आपके पास कौन सा Redmi का स्मार्टफोन है आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Vivo की तरफ से खबर आ रही है और Vivo V17 Pro जो आया था ये उसका लाइटर वर्जन है, अगले महीने सेकंड वीक में आपको इंडिया में जो वो देखने को मिलने वाला है। वैसे ऑलरेडी दोस्तों ये रशिया में इंटरनेशनल मार्केट में जो लॉन्च हो चुका है, जो कि Vivo S1 Pro जो चाइना का था ना, ये उसका रीब्रांडेड वर्जन बन के गया है। पीछे डायमंड शेप्ड आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल रहा है और स्नैपड्रैगन 665 होगा इसमें वगैरह वगैरह। अभी इंडिया में अगले महीने सेकंड वीक आपको जो सेकंड वीक से ही जो वो देखने को मिलेगा V17। देखते दोस्तों क्या होता है, क्या प्राइस होती है, मैं आपको अगले महीने बता दूंगा। और 5 साल हो गए Vivo को इंडिया में, तो उसके तहत अगर आप Vivo के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो आपको वो लोग ऑफर दे रहे हैं। तो कुछ ऐप्स जो आपको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा Vivo के रिवॉर्ड्स वगैरह के, वहां पर एक बैनर होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कैशबैक्स और काफी सारे जो भी वो लोग दे रहे हैं, तो जाइए 5 साल का आपको वो गिफ्ट मिल रहा है तो उसका भी फायदा उठा लीजिए। तो यहां पर दोस्तों फेसबुक और ट्विटर की तरफ से एक बुरी खबर आ रही है। वैसे बुरी खबर की एक्सपेक्टेशन हमें फेसबुक से तो रहती है लेकिन ट्विटर से नहीं रहती है। अब क्या हो गया दोस्तों कि थर्ड पार्टी रिसर्चर्स द्वारा ऐसा पता चल रहा है कि फेसबुक और ट्विटर ने ऐसे थर्ड पार्टी एप्स को एक्सेस दिया था जो हमारे लॉगिन इंफॉर्मेशन उड़ा के और किधर गया बंटा, हाँ तो वो उड़ के निकल गए। जी हाँ, मतलब उनको जो HDK होता है उस, जैसे कि वन ऑडियंस और मोबी बन, उनके द्वारा ये हुआ है। तो वैसे उन्होंने इनको तो लात मार के निकाल दिया लेकिन जो गए वो डेटा तो गए, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स से ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी बात है ना, जिन लोगों के गए उनको तो बहुत कुछ चला गया। अब उन्होंने सॉरी तो बोल दिया कि भाई गलती होगी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। ये फेसबुक की पहले बहुत पुरानी आदत थी लेकिन अब ट्विटर भी साथ में आ गया कि सॉरी गलती होगी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ तो नहीं हुआ, जिन जिनका हुआ उनको तो उन्होंने ईमेल कर दिया, आके सॉरी तो बोल देते कि हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बैठ के देखते रहेंगे, लेकिन गुस्सा आता तो फिर हम क्या करते हैं, सॉरी #delete। क्या आपको लगता है कि दोस्तों नोकिया का एक टाइम पर 3310 मतलब जो 3310 वाला फोन आया था, फीचर फोन आया था, उसको ब्रिक फोन भी बोलते वैसे, उस टाइम पर जब ये आया था तो तब बिजनेसमैन जो थे ना उस फोन को लेके ऐसा यूज करते थे, ऐसा दिखावा करते थे जैसे कि वो आज अभी हम आईफोन 11 और 11 प्रो वगैरह में करते हैं। जी हाँ, उस वक्त उसकी वो वैल्यू थी। तो आज की न्यूज़ में खत्म होती है, करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो फेसबुक की तरफ से और ट्विटर की तरफ से, तो यहां पर दोस्तों फेसबुक और ट्विटर की तरफ से एक्सेस करने का जो यूजर्स को जो एक्सेस करने के लिए मौका देते, जो आप उनको इस्तेमाल करने गर्मा गर्म गर्मा